नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। आपका राजस्थान तक में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान से आज मुख्य खबर है कि 12वीं कक्षा के नतीजे आज जारी कर दिए गए हैं। ये नतीजे प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। आज खुद राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अजमेर में ये नतीजे जारी किए हैं। इन नतीजों के तहत साइंस स्ट्रीम में 99.52%, आर्ट्स स्ट्रीम में 99.19% और कॉमर्स स्ट्रीम में 99.73% रिजल्ट रहा है। राजस्थान सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोरोना काल में जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान तांडव मचा, उस दौरान ये तय हुआ कि 12वीं कक्षा के परीक्षाएं नहीं होंगी और नतीजे एक फॉर्मूले के तहत तय किए जाएंगे। इस फॉर्मूले के तहत 10वीं और 11वीं क्लासेस की परीक्षाएं और 12वीं में जो परफॉर्मेंस छात्र छात्राओं की रही उनको तरजीह दिया जाना था। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में साफ कर दिया था कि CBSE के तहत इस साल 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं होनी है, उसके बाद ये तय था कि प्रदेश में गहलोत सरकार भी RBSE यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत ऐसा ही फैसला या फिर मिलता जुलता फैसला ले सकती है। और गहलोत सरकार ने भी ये तय किया कि वो परीक्षाएं ना करवाकर फॉर्मूले के तहत नतीजों को जारी करेगी जो कि आज किए गए। पहले ही गहलोत सरकार ने कह दिया कि अगर कोई छात्र छात्राएं नतीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो परीक्षाओं के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आज की दूसरी जो बड़ी खबर रही वो भी अजमेर से रही। आज अजमेर में प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा काले झंडे दिखाए गए। उन्होंने जो RS में 2018 RAS के जो परिणाम रहे उनको लेकर जिस तरह से एक विवाद पैदा हो गया है उसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा को काले झंडे दिखाए। ये आरोप लग रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा की जो पुत्र वधु हैं और जो उनके परिवार के कुछ लोग हैं उनको गलत तरीके से इंटरव्यू में नंबर्स दिए गए और उसको लेकर प्रदेश में BJP ABVP विरोध कर रही थी। BJP ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसको लेकर आज प्रदेश के BJP के मुखिया डॉक्टर सतीश पुनिया ने एक वक्तव्य भी जारी किया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से पहले ये जारी किया था कि प्रदेश में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल विद्यालय जो हैं वो 2 अगस्त से खुल जाएंगे, उसका जिस तरह से विरोध हुआ उसके बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया है। माना जा रहा था कि जो प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर यह डाल दिया कि 2 अगस्त से शैक्षणिक संस्थान या विद्यालय खुल जाएंगे, पर जिस तरह से इस फैसले का विरोध किया गया उसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया और अशोक गहलोत सरकार ने यह तय किया है कि एक 5 सदस्यीय मंत्रियों की समिति बनाई गई है जो ये तय करेगी कि क्या SOPs रहेंगी और कब से शैक्षणिक संस्थान जिनमें स्कूल भी शामिल हैं वो खुलेंगे। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने एक और पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अपने पहले वाले निर्णय से बैक ट्रैक कर लिया है और अब गेंद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाले में है जो खुद ये इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि कब से राजस्थान में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे। कई अभिभावकों के और लोगों के द्वारा इस बात को लेकर विरोध जारी किया गया था कि क्यों सरकार ने सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है, जबकि ये माना जा रहा था कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो उसमें छोटे बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ मैं राजस्थान तक के लिए देवंकुर वधावन।